कांग्रेस के दो दिन के मीडिया सम्मेलन में राहुल गांधी ने प्रवक्ताओं को दिया गुरु मंत्र, कहा डरो नहीं, मिलकर लड़ो, विपक्ष को मिलकर देना है जवाब। सोशल नेटवर्क पर बीजेपी को उसी भी भाषा में जवाब देने की तैयारी में कांग्रेस, राहुल की दो टूक, कहा डरने की नहीं बल्कि लड़ने की जरूरत है ताकि सच को सामने लाया जा सके। राहुल गांधी ने अपने भाषण में पार्टी वर्करों को सोच बदलने और सकारात्मक सोच के साथ देश में बदलाव लाने की बात कही। दिल्ली में कांग्रेस के देश भर से करीब 100 से ज्यादा प्रवक्ताओं की वर्कशॉप बुलाई गई है। मीडिया सम्मेलन में साइबर वर्ल्ड और सोशल मीडिया को हैंडल करने के गुर सिखाए जाने हैं। राहुल की इस पाठशाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया के इस्तेमाल की भी ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि चुनाव को लेकर छिड़े साइबर वॉर में कांग्रेस मजबूती से टक्कर दे सके। शिवराज के राज में नरेंद्र मोदी के लिए जगह नहीं, उज्जैन में बीजेपी के पोस्टर से नरेंद्र मोदी की तस्वीर नदारद। गौरीशंकर बिसेन का बयान, मैं एमपी में मोदी की क्या जरूरत। शिवराज सिंह चौहान के चुनाव अभियान से मोदी का चेहरा नदारद, उज्जैन में लगे बीजेपी के पोस्टरों से मोदी गायब। एमपी में सत्ता की हैट्रिक के लिए शिवराज ने शुरू की जन आशीर्वाद यात्रा, 5 साल के काम का जनता को देंगे हिसाब। 1 करोड़ की लागत से बने रथ में बैठकर जनता से आशीर्वाद मांगेंगे शिवराज। मुख्यमंत्री की 50 दिन की जन आशीर्वाद यात्रा 224 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। विपक्षी दल कांग्रेस शिवराज सिंह चौहान की इस यात्रा को चुनावी यात्रा करार दे रहा है और इसे जनता के साथ धोखा बता रहा है। बिहार बीजेपी में दिखने लगा नमो इफेक्ट, जेडीयू का साथ छूटने के बाद बीजेपी की बिहार यूनिट में बगावत की दरार चौड़ी हुई। नीतीश के सिपहसालार का दावा, 40 से ज्यादा बीजेपी विधायक उनके संपर्क में हैं, वो जब चाहे बीजेपी और आरजेडी विधायकों को तोड़ सकते हैं। बीजेपी में बगावत पर जेडीयू लीडर देवेश चंद्र ठाकुर की चुटकी, कहा ये बिहार है गुजरात नहीं, बीजेपी विधायकों की सच्चाई पता है, बीजेपी तोड़ने के आरोप से किया इनकार। बिहार बीजेपी को तोड़ने के जेडीयू के दावे को अश्विनी चौबे ने बताया हवा हवाई, कहा अगले 6 महीने में कई जेडीयू एमएलए पार्टी छोड़ेंगे। छपरा मिड डे मील मामले को लेकर एनएसयूआई वर्करों का बिहार के शिक्षा मंत्री पीके शाही के घर के बाहर प्रदर्शन, जमकर तोड़फोड़ और नारेबाजी। इंडियन मुजाहिदीन पर शकील अहमद के बयान से मचा हंगामा, बीजेपी ने शकील के बयान पर नाराजगी जाहिर की है। शकील अहमद ने ट्वीट किया था कि इंडियन मुजाहिदीन का गठन गुजरात दंगों के बाद हुआ। शकील अहमद बोले, मैंने वही लिखा जो एनआईए ने कहा था। इंडियन मुजाहिदीन पर शकील अहमद के बयान को लेकर सत्यव्रत चतुर्वेदी का बयान, कहा क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। शकील अहमद पर मीनाक्षी लेखी का जुबानी हमला, कहा कांग्रेस आतंकवादियों के प्रति नरम रुख रखती है, शकील अहमद मधुबनी मॉड्यूल का प्रतिनिधित्व करते हैं। कांग्रेस ने एक बार फिर यूपी में कानून व्यवस्था के मसले पर सीएम अखिलेश पर निशाना साधा है, रशीद मसूद के मुताबिक यूपी में कानून का राज नहीं है। गीतांजलि मर्डर केस में पुलिस को मिला अहम सबूत, मौका वारदात से पुलिस को मिट्टी से मिला एक कारतूस, पुलिस आसपास के इलाके की मिट्टी खोदकर सबूत तलाशने में जुटी। गीतांजलि के कातिल को बेनकाब करने में जुटी पुलिस ने जज के ड्राइवर और नौकर से पूछताछ की, सीजीएम रवनीत ने पूछताछ में किया था खुलासा, ड्राइवर और नौकर से नाखुश थी गीतांजलि। सीजीएम की पत्नी गीतांजलि मर्डर केस में पुलिस की जांच तेज, पुलिस ने जज के पिता के गर्ग और मां रचना गर्ग को पूछताछ के लिए बुलाया। गुड़गांव के गीतांजलि मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी और उलझी, गीतांजलि के भाई का दावा, जज के अवैध रिश्ते की वजह से उनकी बहन की जान गई, जज के नाजायज तालुकात की वजह से गीतांजलि की मौत हुई। गीतांजलि के भाई राकेश के मुताबिक उसके जीजा का किसी दूसरी महिला के साथ अवैध रिश्ता था, इसके साथ ही सीजीएम को बेटे की ख्वाहिश थी, इन्हीं दोनों वजह गीतांजलि के कत्ल का कारण बने। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के रिजर्वेशन प्रणाली पर रोक लगाई, फैसला रिजर्व, 26 जुलाई के इंटरव्यू पर भी रोक लगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में नए आरक्षण नियम पर फैसला 10 दिनों के लिए सुरक्षित रख लिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में सज्जन कुमार को बरी करने के फैसले के खिलाफ सीबीआई की अपील पर कांग्रेस नेता को नोटिस जारी किया है। निचली अदालत ने 1984 में हुए दंगों के दौरान 5 लोगों की हत्या से जुड़े मामले में 30 मई को सज्जन कुमार को बरी कर दिया था, सीबीआई ने फैसले के खिलाफ अपील दायर की है।
समाजवादी पार्टी के लीडर रामगोपाल यादव का केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय पर आरोप, गाजियाबाद तक मेट्रो लाने में मंत्रालय जानबूझकर देरी कर रहा है। समाजवादी पार्टी के लीडर रामगोपाल यादव का केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय पर आरोप, गाजियाबाद तक मेट्रो लाने में मंत्रालय जानबूझकर देरी कर रहा है। बार डांस मामले पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर आर पाटिल का सदन में बयान, कहा फिलहाल बंद रहेंगे डांस बार। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद महाराष्ट्र में डांस बार नहीं खुलेंगे, इस मसले पर विशेषज्ञों से मशविरा कर राज्य सरकार कानून में संशोधन करने की तैयारी में है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में डांस बार पर बैन को गलत बताया था। कोर्ट ने कहा था कि 5-स्टार होटलों में ऐसे डांस की अनुमति है जबकि डांस बार में नहीं, इसलिए राज्य सरकार की ये नीति भेदभावपूर्ण है। इस फैसले के बाद माना जा रहा था कि डांस बार खुलने का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन पाटिल के बयान से साफ है कि इस मुद्दे पर फिलहाल महाराष्ट्र सरकार नरम पड़ती नहीं दिखाई दे रही है। हरियाणा के सिरसा में छत पर चढ़े सांड को 4 घंटे की मशक्कत के बाद उतारा गया, सीढ़ियों में फंसे बुल को बेहोश कर बिल्डिंग से नीचे उतारा गया। उत्तराखंड में मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करने वाले यूथ कांग्रेस की टीम से सोनिया गांधी ने की मुलाकात। दिल्ली में फिर जोरदार बारिश, दिल्ली के निचले इलाकों में जगह जगह पानी जमा, जाम से परेशान हुई दिल्ली। बारिश के बाद जाम झेलने वाली दिल्ली को सीएम शीला की सलाह, भगवान से प्रार्थना करें कि बारिश ना हो। वाटर लॉगिंग और जाम से परेशान दिल्ली के घाव पर शीला दीक्षित ने छिड़का नमक, कहा यह सब एनसीडी की जिम्मेदारी। महाराष्ट्र के गोंदिया में पैसेंजर ट्रेन पटरी से उतरी, रेलवे ट्रैक को जबरदस्त नुकसान, एक शख्स जख्मी। सैलाब की घात से भरे केदारनाथ मंदिर की साफ सफाई का काम शुरू, सीएम विजय बहुगुणा ने खुद चलाया फावड़ा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा केदारनाथ मंदिर की साफ सफाई शुरू होने के वक्त मौजूद थे, कहा मंदिर के अंदर जाकर भगवान की पूजा की। सीएम विजय बहुगुणा के मुताबिक मंदिर के 500 मीटर के दायरे में कोई निर्माण नहीं होने दिया जाएगा, साफ सफाई के बाद फौरन शुरू की जाएगी पूजा। पूरे धूमधाम और वंदना आरती के साथ छड़ी मुबारक अमरनाथ की यात्रा पर रवाना हुई, ढोल नगाड़ों के बीच श्रद्धालु हुए साथ। पहलगाम से अमरनाथ की यात्रा पर निकली छड़ी मुबारक, दशनामी अखाड़ा श्रीनगर से पहलगाम के सफर के पहले छड़ी मुबारक की पूजा की। एनसी क्रोनिया मैच फिक्सिंग मामले में चार्जशीट दाखिल, 90 पेज की चार्जशीट में क्रोनिया के सिवा किसी खिलाड़ी का नाम नहीं, कुल 6 लोगों पर आरोप। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने मैच फिक्सिंग केस में दाखिल चार्जशीट किंग्स कमीशन की रिपोर्ट की बिना पर बनाई। दिल्ली पुलिस को इस मैच फिक्सिंग का पता 7 अप्रैल 2000 को लगा था, पुलिस ने उस वक्त साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम के कप्तान एनसी क्रोनिया और लंदन बेस्ड बुकी संजीव चावड़ा के मोबाइल फोन पर मैच फिक्सिंग वाली बात सुनी थी। सुषमा स्वराज के चार्टर्ड प्लेन की आपात लैंडिंग, तकनीकी खराबी के चलते जयपुर में लैंडिंग, सुषमा स्वराज को उज्जैन जाना था। पीजी स्कैन में अनिल अंबानी और उनकी पत्नी टीना अंबानी को दिल्ली कोर्ट ने समन भेजकर गवाह बनने के लिए कहा था, इस फैसले के खिलाफ अनिल अंबानी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। दिल्ली जयपुर हाईवे पर रजोकरी के पास पुलिस चेकिंग के दौरान हादसा, बोलेरो कार ने रुकी हुई गाड़ियों में मारी टक्कर, 7 लोग जख्मी। मेरठ में 12वीं की छात्रा के साथ फेसबुक फ्रेंड ने किया गैंगरेप, आरोपी ने ट्यूशन पढ़ने जा रही लड़की को बहलाकर गाड़ी में बिठाया, फिर दोस्तों के साथ असमत लूट ली। बिहार के रोहतास के राजपुर में एक लड़की की गैंगरेप के बाद आंखें निकाल ली गई, पुलिस पर शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई न करने का आरोप। रोहतास में अगवा लड़की से गैंगरेप और फिर उसकी आंखें निकाल लेने की वारदात के बाद लोगों का गुस्सा फूटा, गुस्साए भीड़ ने पुलिस की जीप को आग के हवाले कर दिया। कश्मीर घाटी में 4 दिन बाद हालात सामान्य हुए, श्रीनगर में बाजार दुकान दफ्तर खुले, सड़कों पर उमड़ी भीड़। दिल्ली में 33 साल के डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर की दर्दनाक मौत, करंट लगने से गई जान, 3 साल का बेटा हुआ अनाथ। अहमदाबाद में व्यापारियों से वसूली करने वाले गैंग का पर्दाफाश, गिरोह के 3 मेंबर पुलिस की गिरफ्त में, पूरे गुजरात में सैकड़ों व्यापारियों को लगा चुके थे चपत। कानपुर के सरकारी गेस्ट हाउस में सरकारी डॉक्टर की लाश मिलने से हड़कंप, गेस्ट हाउस पहुंचकर परिजनों ने की तोड़फोड़। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा, जोरों पर वीरभूम में बम बनाने के दौरान 2 सीपीएम वर्करों की मौत।
पंचायत चुनाव में मालदा से मुर्शिदाबाद तक हिंसा, मालदा में टीएमसी और कांग्रेस वर्करों की बीच झड़प। वीरभूम जिले में पंचायत चुनाव से एक दिन पहले टीएमसी विधायक मुनिरुल इस्लाम ने कांग्रेस नेता को सिर कलम करने की धमकी दे डाली। विधायक मुनिरुल इस्लाम ने चुनावी रैली में वीरभूम के कांग्रेस नेता बापी दत्ता को सिर काटने की धमकी दी। दत्ता ने एफआईआर दर्ज करवाई। पश्चिम बंगाल में चौथे दौर के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग खत्म। केंद्रीय बलों की 250 कंपनियों की निगरानी में 13,801 मतदान केंद्रों पर हुआ मतदान। बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान जबरदस्त हिंसा, चौथे दौर की वोटिंग के दौरान मुर्शिदाबाद में टीएमसी और कांग्रेस समर्थकों में झड़प, बमबाजी। पद्मश्री से सम्मानित ओडिशी डांसर इलियाना क्रिस्टी का आरोप, पुरी के जगन्नाथ मंदिर के दो पुजारियों ने पैसे देने के नाम पर उनके साथ मारपीट की। बॉलीवुड के दबंग से गले मिलकर गिले शिकवे दूर करने के बाद बादशाह खान का ट्वीट, लिखा दोस्ती के अध्याय पर पलटना सबसे सुखद अनुभव है। बॉलीवुड में खान वार खत्म, खुद शाहरुख खान ने ट्वीट कर इस बात की तस्दीक कर दी है कि रविवार को इफ्तार पार्टी में सलमान से गले मिलना ना तो औपचारिकता थी और ना ही दिखावा। रिटर्न एक्टर मनोज कुमार को गॉल ब्लैडर में दर्द की शिकायत के बाद कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। नैनीताल में जख्मी तेंदुए का रेस्क्यू ऑपरेशन नाकाम रहा और बेजुबान मारा गया। गुरु पूर्णिमा के मौके पर अयोध्या में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़े पैमाने पर श्रद्धालुओं ने अलग अलग मंदिरों में पूजा अर्चना की। रेलवे ने वेटिंग टिकट के लिए बनाया नया नियम। अब इंटरनेट से लिए गए वेटिंग टिकट की तरह ही रिजर्वेशन काउंटर से खरीदे गए टिकटों पर भी आप ट्रेन में सफर नहीं कर सकते। काउंटर से लिए गए वेटिंग टिकट पर यात्रा करने पर भी आपको ट्रेन से उतार दिया जाएगा। ट्रेन में आपसे जुर्माना भी वसूला जा सकता है। मारुति सुजुकी, हुंडई, होंडा और टोयोटा की कारों से पिछड़ी एम्बेसडर को ग्लोबल ऑटोमोटिव प्रोग्राम में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टैक्सी के खिताब से नवाजा गया है।